हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप। धातु रूपों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम पठ धातु। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लट लकार और लृट लकार। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल और लृट लकार का अर्थ है भविष्यत काल। सामान्यतः जो किताबों में 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है वो धातु के केवल 5 लकार होते हैं। लट लकार, लोट लकार, ये सब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। पहला है लट लकार, दूसरा है लोट लकार, तीसरा है लंग लकार जिसे कहते हैं भूतकाल, चौथा है विधिलिंग लकार, और पांचवा है लट लकार। जो ये लट लकार है इसका काम, इसका मतलब है वर्तमान। जो लोट लकार है ये है आज्ञा, ये आज्ञा के अर्थ में काम आता है। लंग लकार है भूतकाल, विधिलिंग लकार है चाहिए अर्थ में, और लृट लकार है भविष्य, यानी कि जो भविष्य काल है वो। लट लकार यदि हम अभी काम कोई कर रहे हैं तो आएगा लट लकार। हम किसी से कहें कि ये काम करो तो आएगा लोट लकार। अगर हम कहें कि हमने ये काम किया था तो आएगा लंग लकार। अगर हम कहें कि हमें पढ़ना चाहिए या आपको ये काम करना चाहिए तो कहेंगे हम विधिलिंग लकार में, और यदि हम कहेंगे ये काम हम करेंगे या तुम वहां जाओगे तो जो भविष्य में होने वाला काम है उसके लिए प्रयोग होगा लट लकार, भविष्यत काल। आज हम पढ़ेंगे पहले लट लकार। इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर हम अंग्रेजी में पढ़ें तो उसमें ये उल्टा लिखा होता है, यानी कि सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन इसमें पहले जिसे हम अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं वो यहाँ पर प्रथम पुरुष है, जिसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं वो यहाँ भी सेकंड है, और जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं वो यहाँ पर उत्तम पुरुष है, यानी कि तीसरे नंबर पे है। वचन 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सभी लकारों में ये सेम चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो रूप है वो परिवर्तित होंगे। सबसे पहले लट लकार, प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठंती। मध्यम पुरुष पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। अब है लृट लकार, यानी कि भविष्यत काल। इसमें वही है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी वही रहेंगे, इसके रूप चलेंगे। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब यदि हम पठ की जगह रूप चलाने लगे गम के, तो गम में थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। यहाँ पठ के तो हमने सीधे रूप चलाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन अगर हम गम के रूप चलाएं तो गम में क्या होता है, धातु है गम, इसका अर्थ होता है जाना। लेकिन जिसके रूप चलेंगे वो गम को हो जाएगा गच, और रूप तब रूप चलेंगे इसके, क्या रूप चलेंगे, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लेकिन जब भविष्यत काल आएगा यानी कि लिट लकार आएगा तो जो गम का गच्छ हो गया था वो नहीं होगा, इसमें गम ही रहेगा। तो रूप चलेंगे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि,
गमिष्यावः गमिष्यामः। यदि हम पठ गम की जगह और कोई रूप चलाएं तो भी वो वैसे ही चलेंगे, लेकिन कक्षा 6 के लिए केवल पठ के और गम के ही रूप आएंगे, और यदि कोई रूप की आवश्यकता होगी तो वो हम अगली वीडियो में फिर से पढ़ा देंगे। इस वीडियो में हम केवल पट धातु के लट लकार और लीट लकार ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम फिर से एक नई धातु या शब्द रूप के साथ फिर से आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।